फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं बैठता है? मेरा बेटा भी 3 साल का है और मुझे भी आप ही की तरह ये डर रहता था। तो उसके लिए मैंने कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किए और यकीन मानिए, मेरा ऑनलाइन लर्निंग बच्चे के लिए बहुत ही आसान हो गया। तो वही टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट अरेंजमेंट मैंने किया वो ये है कि मैंने अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर दिया। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे को बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जिसपे उसको क्लियर दिखता है। लैपटॉप की छोटी स्क्रीन में उसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर जो लिख रहे हैं वो शायद उसको उतना क्लियर ना दिखे, पर अगर टीवी की स्क्रीन से ज्वाइन कर दिया है तो उसको बहुत ही अच्छे से दिखता है। दूसरा पॉइंट उसमें फायदा ये होता है कि बच्चे को बिल्कुल लैपटॉप के सामने नहीं बैठना है, तो उसकी आंखों की जो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, स्क्रीन टाइम, नजदीक से स्क्रीन देखता है तो जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं बच्चे की ऑनलाइन लर्निंग के लिए, तो आप उसको भी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पर उतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है जितना लैपटॉप से मिलता है। उसमें स्क्रीन काफी छोटी दिखती है टीवी में, तो वो उतना फायदा नहीं करेगा, पर आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। और अगर मोबाइल से लर्न करना है तो आप कम से कम ये सेटिंग जरूर करना कि आप बच्चे को इस तरह से कुछ स्टैंड बना के दे देना। मैंने ये ब्लॉक्स से स्टैंड बनाया है, आप चाहे तो बुक्स को या किसी चीज को अरेंज करके आप उसको स्टैंड बना के जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चा मोबाइल को नीचे रखकर इतना देखता रहेगा तो उसकी नेक मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उसको नेक में पेन हो सकता है और वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज इतना अरेंजमेंट तो जरूर कीजिएगा। सेकंड अरेंजमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो है डेस्क का। इससे बच्चे को पता चलेगा कि एक ही जगह यहाँ पर बैठना है और उसको लिखने में भी आसानी रहेगी और वो थोड़ी सी स्कूल वाली, मतलब डिसिप्लिन वाली थोड़ी सी उनको फीलिंग आएगी। थर्ड स्टेप, बच्चे को बैग और लंच बॉक्स ये सब पसंद है जिसमें उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर रहता है, वो अगर उनको पसंद हो तो आप बच्चे को बैग और लंच बॉक्स भी जरूर दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि ये लेसन खत्म करने के बाद तुम अपने लंच बॉक्स से खा सकते हो, वो आप तुम्हारी लंच ब्रेक होगी। इस तरह से आप उनको एंकरेजमेंट दे सकते हैं। फोर्थ अरेंजमेंट जो आपको करना है वो ये है कि जब बच्चे की ऑनलाइन क्लास हो उस टाइम पे उस रूम में कोई भी टॉयज ना हो, वरना बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको पढ़ाई से ज्यादा ध्यान टॉयज में रहेगा कि कब मैं टॉयज खेलने जाऊं, तो ये एक ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर पेरेंट बच्चे के साथ बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, या यूं कहिए बैठना ही चाहिए, क्योंकि जब बच्चा क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तब टीचर का ध्यान उन पे रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पर ऑनलाइन के दौरान टीचर्स का उतना ध्यान नहीं रह पाएगा, तो वो ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि टीचर्स लेक्चर के दौरान बच्चों को म्यूट रखते हैं, कभी कभी बच्चे खुद को अनम्यूट कर देते हैं या फिर खुद का वीडियो ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो उन चीजों से बचाने के लिए भी आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट वो ये है कि बच्चा अगर छोटा है तो आप उसको ऑनलाइन लर्निंग के लिए बिल्कुल पकड़कर मत रखिए, जिससे उसको ये लगे कि ये पढ़ाई नहीं पनिशमेंट मिल रही है मुझे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। स्कूल वाले भी जानते हैं कि छोटे बच्चे इतनी आसानी से नहीं बैठेंगे एक या दो घंटे ऑनलाइन लर्निंग के लिए, वो ग्रेजुअली होगा, पेशेंस रखे और उसको फन लर्निंग बनाने का कोशिश कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।